नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही और जालोर में बाढ़ जैसे हालात। घरों में 4 से 5 फीट तक भरा है पानी। राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से बाड़मेर, माउंट आबू और सिरोही, उदयपुर, जालोर और जोधपुर में और नागौर में भारी बारिश हुई है। बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वह एनडीआरएफ की टीमों को यहां पर बुलाया गया है। वही इस दौरान यहां पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। बिपरजॉय 17 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है। वही कल जो है जयपुर और जोधपुर में यहां पर कल रात को यहां पर कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू में रिकॉर्ड 8.4 इंच बारिश यहां पर रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने सिरोही और जालौर में बाढ़ के हालात बनने की आशंका जताई है। बता दें आपको कि राजस्थान में शुक्रवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आया। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। वहीं बाड़मेर, सिरोही, जालौर और जैसलमेर में लगातार बारिश का दौर जारी रहा है। मौसम का मिजाज बदलने से कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली यहां पर चली गई। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर जो है बाड़मेर और सिरोही जिले में नजर आया। तूफानी बारिश यहां पर हुई है। चोटन की पहाड़ियों में तो झरने यहां पर बहने लगे हैं। बारिश के बाद माउंट आबू की पहाड़ियों पर बहने वाला झरना का जो पानी का झरने जो है वो भी यहां पर अभी शुरू हो चुके हैं। वही बदलते मौसम को देखते हुए बाड़मेर जिला के सेड़वी और चोटन और इसके अलावा धोरी मना के नीचे इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वही बाड़मेर में लगातार तूफानी हवाएं चली है, जिसके चलते लोग जो है अपने घरों में ही बंद होने को मजबूर हो गए हैं। बता दें आपको कि बाड़मेर से लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। वही मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज और कल 2 दिन तक जोरदार बारिश का दौर जारी रह सकता है। अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, नागौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद और बाड़मेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। जालौर, पाली और सिरोही में रेड अलर्ट जारी किया गया। इन इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इस तरह की जानकारी दी गई है। बात अब बताएं अगली खबर की। तो रक्षाबंधन पर महिलाओं को राजस्थान में गहलोत सरकार की तरफ से मिलेगी अच्छी खबर। स्मार्टफोन के बदले अब मिलेंगे पैसे। राजस्थान में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी कांग्रेस एक बार फिर यहां पर सरकार बनाने का दावा कर चुकी है। वही सत्ताधारी कांग्रेस जो है अभी सरकार का दावा कर रही है। तो वही चुनावी साल में सीएम गहलोत जनता को कई सौगात देने का भी ऐलान यहां पर कर रहे हैं। इन सब के बीच सीएम गहलोत राज्य की महिलाओं को एक और अच्छी खबर यहाँ पर, एक अच्छी योजना यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, एक अच्छी गुड न्यूज यहाँ पर देने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार अगस्त में रक्षाबंधन पर शुरू होने जा रही योजना के तहत महिलाओं को, राजस्थान की महिलाओं को स्मार्टफोन के बदला एक नगद जो राशि जो है देने का विचार कर रही है। बता दें आपको कि गहलोत ने बजट 2021 में राज्य की 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कही थी, लेकिन अब राजस्थान में स्मार्टफोन की जगह महिलाओं को यहाँ पर पैसे जो है वो दिए जाएंगे। कुछ समय पहले उन्होंने यहाँ पर इस साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन के चरणबद्ध तरीके से फोन देने की बात यहाँ पर कही थी। वह मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं को स्मार्टफोन देने के बजाय उनकी पसंद का मोबाइल फोन खरीदने के लिए एक निश्चित राशि देने का सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग स्पेक्ट्रम के साथ कई तरह के फोन होते हैं और हर कोई अपनी पसंद का यहाँ पर फोन खरीदता है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसे आप बाजार में खरीदना जाएंगे तो आपको अपनी पसंद यहाँ पर मिल जाएगी। वही कितने जीबी खरीदना है, कौन सा ब्रांड खरीदना है, कौन सा मॉडल खरीदना है, हम कंपनियों से बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि महंगाई राहत शिविर जैसे काउंटर स्थापित करें और लोगों को विकल्प दें। वही सीएम गहलोत ने कहा है कि सरकारी मतलब जो सरकार की ओर से जो फोन जो यहाँ पर दिया जा रहा है, सरकार महिलाओं को फोन खरीदने के लिए जो एक निश्चित धनराशि जो है वो उनके बैंक खाते में यहाँ पर देने का विचार कर रही है। उन्होंने बताया है कि कितनी राशि दी जाए इस पर चर्चा की जा रही है। गहलोत ने कहा है कि स्मार्टफोन देने का मकसद महिला सशक्तिकरण है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में होने जा रही है 13,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां, ये लोग कर सकेंगे आवेदन। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही खास है। दरअसल राजस्थान में सफाई कर्मचारियों के 1,000 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार जो है आवेदन कर सकते हैं। दरअसल आवेदन करने के लिए उनको जो आधिकारिक वेबसाइट, उम्मीदवारों को जो आधिकारिक वेबसाइट है lsg.urban.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर उनको जाना होगा। जो आवेदन प्रक्रिया वो है 20 तारीख से शुरू होगी, जो कि यहाँ पर 19 जुलाई तक चलेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे। दरअसल राजस्थान राज्य में सफाई कर्मी के 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है, जिनमें यहाँ पर फिलहाल 13,164 पदों पर भर्ती की जाएगी। बाकी बचे हुए पदों के लिए अभियान यहाँ पर जो है अगले वर्ष चलाया जाएगा। इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। नोटिस के अनुसार कैंडिडेट को राज्य में किसी भी नगरीय निकाय केंद्र या फिर राज्य किसी भी विभाग केंद्र या फिर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्थापित
स्वयंसेवी संस्था या फिर सरकारी संस्था में एक वर्ष का कार्य करने का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, तभी इसमें यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। वैसे भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र जो 18 साल से लेकर 40 के बीच होनी चाहिए, जबकि आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में जो है छूट यहाँ पर दी जाएगी। वही जनरल और ओबीसी श्रेणी के लिए आवेदन जो है वो 700 रुपये का शुल्क इसमें लगेगा और SC/ST के लिए 400 रुपये का शुल्क जो है देना होगा। वहीं इन पद पर उम्मीदवारों का इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के जरिए इनका जो सिलेक्शन है जो होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मदद ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है lsg.urban.rajasthan.gov.in वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी आप हासिल कर सकते हैं।